हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आई नो कि आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा और मैंने क्या क्या सीखा, कहाँ मेरी पोस्टिंग है। तो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के देख रही थी, लेकिन एक दिन तो मेरा चला गया आरओ में। ठीक है, आरओ में जाके वहाँ पे मुझे अपना ब्रांच देखना पड़ा और मेरे घर से वहाँ की जर्नी 5 घंटे की है और जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन की भी वहाँ पे दिक्कत है, लेकिन मेरा ब्रांच जो है, मेरा जहाँ पे ब्रांच है वो काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी अच्छा ब्रांच है और ब्रांच से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छा ब्रांच मिला है मुझे। तो सारी बातें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो इस वजह से मैं अभी तक किसी के भी मेल का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से मैं सोई भी नहीं हूँ। और एक दिन तो वहाँ पटना जाना पड़ा, फिर एक दिन उसके अगले ही दिन मुझे मैं 11-12 बजे आई रात में, फिर मुझे फिर तुरंत 3-4 बजे सुबह में उठ के फिर मुझे आरओ जाना पड़ा, फिर उसके अगले ही दिन मुझे बैंक में रिपोर्ट करना पड़ा, फिर मैं घर वापस आई और आज जो है, आज है रामनवमी। तो आप लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं। तो आज रामनवमी के दिन हमारा बैंक बंद है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के ईमेल का भी रिप्लाई कर दूँ, एक वीडियो भी बना दूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे एक्सपीरियंस को सुनने के लिए? तो सबसे पहले तो मेरे घर से 100 किलोमीटर के अंदर में ही है, जैसे पहले मैं पटना जाती थी तो वो भी 100 किलोमीटर ही था और ये भी 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन पटना में और यहाँ में डिफरेंस बस ये है कि पटना में ट्रांसपोर्ट थे, रोड अच्छी थी, यहाँ पे रोड ऐसे ऐसे गिरी है, ऐसे ऐसे आप जाओगे, ठीक है, मतलब रोड बिल्कुल भी ख़राब है। खेतों से होते हुए मुझे जाना पड़ा, तो बस पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हाँ, और मैं सोची थी कि सैटरडे संडे को घर वापस आऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब या तो रक्षाबंधन या फिर कोई बड़ा त्यौहार होगा तभी मैं घर पे वापस आ सकती हूँ। तो ये तो रहा मेरा डिस्टेंस क्या रहा। इसके बाद आते हैं ब्रांच के ऊपर कि ब्रांच कैसा है, फिर मैं बताऊंगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, तो ब्रांच जो है काफ़ी अच्छा मिला है, एकदम शानदार मिला है। ऐसा लग रहा है कि मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में नहीं, मतलब कॉमर्शियल बैंक का जो ब्रांच होता है ना, उस बैंक के ब्रांच में हूँ। काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा ब्रांच है। तो ब्रांच तो काफ़ी अच्छा है और एकदम हाईवे पे है मेरा ब्रांच। ऑटो से उतरो, बैंक में जाओ, ऐसा नहीं कि पूरा गांव के अंदर है, 25-30 किलोमीटर अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हाईवे पे। तो ये तेरा है मेरा ब्रांच कैसा है। अब आते हैं कि वहाँ पे मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे वो लोग करते हैं इतना सारा काम, है ना। तो सबसे पहले तो मैं जब गई वहाँ पे तो गेट बंद था, तो जो होते हैं ना गार्ड, तो उन्होंने बोला कि जाओ 10:30 बजे के बाद आना, अभी मत आओ, मतलब ऐसा ही कुछ बोला था कि जाओ भागो यहाँ से, अभी बैंक खुला नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग करने आई हूँ, मेरा न्यू ज्वाइनिंग है, ऐसे हाथ में लेटर दिखाया। तब उन्होंने बोला कि अच्छा मैडम आइए। तो मैडम के लिए गेट ओपन था, तो मैडम अंदर गई, तो एक वहाँ पे सर थे जिनका मैं नाम भी नहीं पूछी और पूरे दिन उन्होंने मुझे काम सिखाया लेकिन मैंने उनका नाम भी नहीं पूछा। तो सर थे, तो मतलब 29-30 साल के थे, 29-30 के अराउंड में उनकी एज थी। और एक प्यून साहब थे, तो प्यून साहब मतलब दूध का पैकेट लेके खड़े थे। तो सर ने मुझे बोला कि आप बैठ जाइए, तो मैं बैठ गई। उसके बाद 1/2 घंटे तक मैं बैठी रही, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी थे, तो वो लोग भी बैठे थे ब्रांच में। मस्त 4-5 फैंस है, मतलब फैन अच्छा है, मतलब अंदर का माहौल जो है ना बहुत ही आपके लिए, मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, गर्मी महसूस नहीं होगी।
और मतलब बोरिंग नहीं लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक, तो आधे घंटे तक मैं बैठी रही तो मैनेजर सर आए। पहले तो मैनेजर सर मुझे रास्ते में ही कॉल कर रहे थे कि यहाँ पे तुम्हारा ब्रांच है, यहाँ पे आ जाओ। तो मैनेजर सर आए और आते ही पूछे सोनी, तो मैं बोली यस सर। तो अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। फिर उन्होंने पूछा कि नाश्ता किया हो, मैं बोली कि नहीं सर, मैं तो 5 बजे सुबह से निकली हूँ घर से, तो नाश्ता वगैरह तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले वो अपने कैबिन में गए, नाश्ता अपना ओपन किया, लंच बॉक्स में लाए थे, तो लंच में उन्होंने अपना रखा और ढक्कन में मेरे को दिया 4 रोटी और सब्जी और भुजिया। तो उसके बाद अपने कैबिन में बुलाए मेरे को, बोले कि खा लो। तो मैं बोली कि अच्छा सर खा लेती हूँ। तो मैंने 1 रोटी खाई और 3 रोटी छोड़ दी, मतलब मैं सारा चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं बोली कि सर इतना 4 रोटी तो मैं नहीं खा पाऊँगी। तो बोले कि अरे खाओ खाओ खाओ, मतलब वो ज़बरदस्ती पापा वाला टाइप होता है ना, ऐसे बोल रहे थे। और मतलब पापा जैसे ही हैं वो, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मैनेजर सर हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे हैं ना, जिसका हिसाब भी बहुत ही अच्छे हैं। और सारे ब्रांच के मैनेजर अच्छे ही होते हैं। तो बोले कि ना ना खाओ खाओ खाओ। तो फिर मैं बोली कि फिर मैंने 1 रोटी खाया, सब्जी खाया, फिर बोले कि जाओ रख दो। उसके बाद पहले उन्होंने मुझे अच्छे से खाना खिलाया अपने साथ बैठा के, फिर वो भी खाएं। फिर मैनेजर सर आए, मतलब खाना खाने के बाद बोले कि वो एक जो और सर थे जिनकी मैंने एज 29-30 बताई, तो उनसे बोले कि सोनी को वाउचर भरना सिखाओ। ठीक है, तो वो मुझे ले गए। और सच में वो बहुत अच्छे एक टीचर हैं, मतलब बैंकर तो हैं ही जो मुझे सिखा रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे टीचर भी हैं। तो कॉन्फिडेंस मैं लाई कि चलो सीखना तो है, तो मैं चेयर पर बैठ गई, मुझे चेयर मिला बहुत अच्छा सा। वो चेयर का मैं आपको कल पिक दिखाऊंगी। तो जिस चेयर पर मैं मिली बैठी और जिस जो मतलब मेरा कैबिन मिला वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। फिर चेयर पर बैठी, फिर जैसे पैसे लोग डालने आते हैं, पैसे निकालने आते हैं, तो उसे वाउचर बोलते हैं। अब मैं बोली कि सर वाउचर क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो है ना, जो पैसे निकालना या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर्म दो, तो वो लोग फॉर्म नहीं बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। ठीक, तो उनको वाउचर बोला जाता है। तो मुझे ये सिखाया गया पैसे कैसे डिपॉजिट करना है, पैसे कैसे निकालना है। तो मैं बोली कि सर बहुत ही ज़्यादा मैं भूलती हूँ, कि मैं तो भूल जाऊँगी, मैं कॉलम और डायरी लेके आ गई कि मैं लिख लेती हूँ सब चीज़। तो बोले कि अरे करो ना, तुम बार बार करेगी ना तो तुमको याद हो जाएगा। और सच में मैंने 20 पासबुक किए, मतलब पैसा निकालने वाला, और 20वें के बाद मुझे याद हो गया। मतलब पाँच ही चार प्रोसेस होता है जो रिपीट करना होता है। ठीक है, नाम चेक कर लेना होता है, और वहाँ पे डबल एंट्री की जाती है, मतलब मैं अगर कर दी एक बार तो एक बार एक और इंसान चेक करेगा कि इसने सही किया है कि नहीं, मतलब हर काम 2 बार होता है। ठीक, तो उसके बाद पैसे निकालना, पैसे जमा करना, और चेकबुक आया तो चेक से मतलब किसी ने चेक इशू किया था, तो जिसके अकाउंट से कैश जाता है और जिसके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, वो सीखा मैंने कैसे किया जाता है। और अकाउंट ओपन करना सीखा, जिसमें से 2 चीज़ मैं भूल चुकी हूँ, एक तो अकाउंट ओपन करना और चेक से ट्रांजेक्शन करना, मतलब कैसे, तो ये 2 चीज़ मैं भूल चुकी हूँ। बाकी पैसे वाला जो कैश निकालना और डिपॉजिट जो सामान्य फॉर्म होता है ना, एक फॉर्म वो वाला मुझे याद है, बाकी 2 चीज़ गया। तो ये सिखाया गया, ईजी है, मतलब डरने वाला कोई बात नहीं है, डरना नहीं है किसी को भी ये सोचिए कि कैसे काम होगा कैसे नहीं। और हाँ, अभी जैसे कि हम लोगों को पावर नहीं मिला है, कहने का मतलब कि मेरा जो आईटी पासवर्ड है वो मीन सर ने जनरेट किया। तो मैं बोली कि 1 लाख का चेक मैं, मतलब 1 लाख का चेक आया ना कि 1 लाख उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र करके इनके अकाउंट में डालना है, तो मेरे सिस्टम से नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास 1 लाख वाला पावर नहीं था। तो मैं बोली, तो सर बोले कि अभी तुमको हम पावर नहीं दिए हैं। तो हम बोले कि ठीक है सर, अभी हमको पावर दीजिए अभी मत, नहीं तो हम बहुत गड़बड़ हो जाएगा मेरे से, पहले हम 10-15 दिन सीख लेंगे। तो बोले कि नहीं, अभी तो देंगे भी नहीं तुमको, तो अभी मुझे कुछ पावर नहीं मिला है, अभी मैं बस सीखूंगी कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे पैसे भेजने हैं, ये सब सारी चीज़ें। ये हुआ अकाउंट ओपन, उसके बाद मेरा सैलरी अकाउंट खोला गया,
तो सैलरी अकाउंट खोला गया, तो उसमें वही सर जो सर थे एक वो सर से है, और हाँ 10-12 दिन में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनके जगह पे मैं गई हूँ, ठीक है। तो मुझे 10-12 दिन में उनसे हर काम सीख लेना है कैसे भी, और तो बहुत ही बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं है, बिल्कुल भी वर्क प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं जितना ज़्यादा काम सीख लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा अभी जो टारगेट है वो जब मैं अपने रीजनल ऑफिस गई थी तो वहाँ पे एक HR सर आए थे, अच्छा, तो उन्होंने 10 मिनट हम लोगों को संबोधित किया था। तो मैंने उसी दिन अपने मन में सोच लिया कि मैं इतना मेहनत करूँगी कि मुझे HR का पोजीशन चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग किसी से बताना मत, ठीक। तो ये हुआ, और बैंक में मतलब इतना अच्छा सैलरी मिलता है, सैलरी अब बता देती हूँ, कोई बोल रहा है कि 50,000 इन हैंड, कोई बोल रहा है 45,000। तो अगर एक 11/12 की पता नहीं क्या होता है अभी वो सब नहीं मालूम है लग जाएगा, तो 51-52 हज़ार इन हैंड शायद मिलेगा, और अभी शायद 44-45 हज़ार। तो इतना पैसा अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो काम तो करोगे ना। अब सोच रहे हो कि जाएंगे खाली लिख के चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी काम करो, पढ़ाई भी करो, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है, तो तुरंत कोई कोई परेशान हो जाता है, नहीं तो वही चीज़ है। मैं ने इतना काम को एंजॉय किया, और मैं वैसा ही डेली करने वाली हूँ, मैं डेली अपने काम को चाहे इतना काम मिले चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले, अगर आप अपने काम को एंजॉय करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। और जितना ज़्यादा सीखना है सीखना चाहते हो उतना ज़्यादा सीखो। तो हाँ ये हुआ, और ब्रांच काफ़ी अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच, और मैनेजर साहब क्या कहने उनके, तो मतलब बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे मैनेजर सर, और जो सर मुझे सिखा रहे थे उनको तो भाई मतलब वो ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर IT से भी लेकर सब चीज़। तो मैंने सोचा है कि मैं उन्हीं को पकड़ूंगी पहले 10-15 दिन जो भी हो, और जितना भी उनका ज्ञान है 2-4% मैं ले लूँगी, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो फिर मुझे मैनेजर सर का दिमाग खाना पड़ेगा, तो फिर सर भी परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से इसलिए गंवारन को भेज दिए। तो इसलिए मेरा प्लान है कि मैं उन्हीं सर से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सीख लूँगी। और दो चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ, तो कल से मैंने सोचा है कि डायरी और पेन लेके जाना है, और सब चीज़ लिख के रख लेना है कि ये चीज़ आज मैंने सीखा, क्योंकि फिर अगले दिन अगर मुझे काम आएगा तो मुझे फिर से उन सर से नहीं पूछना पड़ेगा, मैं अपना डायरी देखूँगी। और तो ये लगाया है मैंने दिमाग, तो आप लोग भी लगाना, सिलेक्शन हो जाए तो एक डायरी और एक पेन रखना, कॉन्फिडेंशियल मैं बता रही हूँ, और लिख लेना हर चीज़, अच्छा। तो ये रहा, उसके बाद लंच जब हुआ तो लंच में सर ने मुझे चाय पिलाया, समोसा खिलाया, रसगुल्ला खिलाया तो लंच में सर ने काफ़ी अच्छा खर्चा किया, सब लोग स्टाफ मिलके, मतलब मैं थे, मैनेजर सर थे, एक और सर थे, प्यून थे, और एक लड़की थी जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको बैंक मित्र, वो थी मैम, तो वो भी बोल रही थी कि मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि इस ब्रांच में कोई लड़की आए, मुझे आने का मन नहीं कर रहा था एंड ऑल दिस। तो मैं बोल के अरे मैं आ गई ना, चलो मतलब हो गया। तो और मैं, मैनेजर सर, एक और सर, एक वो मित्र, और एक प्यून सर, और दो गार्ड, मतलब इतने लोग बैठ के आराम से खाना वाना खाए, समोसा मैनेजर सर ने मंगाया, मिठाई भी मंगाया, खूब अच्छा, दूध का जो पैकेट लेके वो खड़े थे ना प्यून सब, प्यून, तो उन्होंने अच्छी सी चाय बनाई, फिर हमने चाय पी, और फिर मैंने मैनेजर सर, कभी ये टेबल पे मैं जाके सीख रही थी, कभी मतलब सर मुझे बुला भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनके पास जाके खड़ी हो जा रही थी, देख रही थी कि सर क्या क्या कर रहे हैं, फिर मैं बोल रही थी सर जी क्या कर रहे हैं, वीडियो क्या कर रहे हैं, फिर मैंने पूछा कि सर कैसे पता चलेगा कि अंगूठा जो उसने लगाया वो सही है कि गलत है, जो साइन है वो कैसे, मतलब अपने अंदर क्यूरियोसिटी दिखाना चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान काम करने के लिए ही आया है और काम करने के प्रति ईमानदार है, ठीक है। काम से कभी भी मत भागो, अगर अच्छा पोजीशन में जाना है काम से मत भागो, और 50,000 की सैलरी मिल रही है तो काम तो करो ना, 50,000 की सैलरी में 20,000 का काम करके भागने का ये कोई उचित नहीं होता है। तो सैलरी भी अच्छी है,
और काम भी अच्छा है, सर भी अच्छे हैं, ब्रांच भी अच्छा है, क्योंकि मैं अच्छी हूँ इसलिए मुझे सब कुछ अच्छा मिला है। मजाक कर ली थी गाइस, तो डरने की कोई बात भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आपको लोग सहयोग करेंगे। और मैनेजर सर ने अपना रूम का चाबी दिया मुझे, बोले कि जब तक तुमको रूम नहीं मिलता है तब तक मेरे रूम पे रहो। तो उन्होंने रूम भी अपना दे दिया मुझे। मैं सोच रही थी उसको कब्जा कर लूँ, और फिर स्टाफ जो भी है वो आपको रूम ढूंढवा देते हैं अगल बगल। रूम का टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियों की पोस्टिंग हुई है, मतलब 3-4 किलोमीटर के दूर पे। तो मतलब लोग इतने अच्छे हैं वहाँ के, जिसका हिसाब में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपको रूम ढूंढ के देंगे, और मतलब एक संरक्षण होता है ना, तो वो लोग ऐसे कर देते हैं कि लड़की है दूसरे जगह से आई है तो ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ऐसा वाला फीलिंग वो लोग ला देते हैं। और काफ़ी अच्छा से आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे अच्छा से आपको ट्रीट किया जाता है। मतलब मेरा तो जहाँ पे मैं गई हूँ वहाँ पे तो मेरे को बहुत ही अच्छा से, मैं रूम के लिए खड़ी थी रूम ढूंढने के लिए, तो सर ने बोला कि ये लो चाबी मेरे रूम में रहो जितना दिन तुमको नहीं मिलता है। बाकी वो इधर उधर फ़ोन लगा कर पूछ रहे थे रूम के लिए, और कल उन्होंने सब ने बोला मिल के कि कल तुमको पक्का रूम मिल जाएगा। और फिर मैं खड़ी थी तो 10-12 लोग और आ गए आसपास के। बेटा घबराना नहीं, हम लोग तुमको रूम ढूंढ के परसों तक रख देंगे, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। तो काफ़ी अच्छे, और भैया लोग भी थे 25-30-32 साल के भैया लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और एक मज़ेदार बात कि मुझे वहाँ पे मेम साहब बुलाया जा रहा था, तो यस मेम साहब चाय पी लीजिए, मेम साहब ये काम कर दीजिए, मेम साहब वो काम कर दीजिए, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी मेहनत है, कोई काम कर रहे हो उसमें भी मेहनत है, तो मेहनत से मत भागना। अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो लगे कि ये चीज़ छोड़ देते हैं, मत छोड़ना, ठीक है। जो चीज़ लगे कि छोड़ देते हैं वही चीज़ पकड़ के करना, अच्छा छोड़ने वाला काम नहीं। और जो लोग अभी जॉब में नए ज्वाइन हुए हैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है मेरा, ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा काम है चाहे कुछ भी, ऐसा मत करना। पैसा भी अच्छा है तो काम भी अच्छा करना पड़ेगा। और इस कोविड में आपको नौकरी मिल गई, इनकम आ गई, और काम से भागोगे तो कैसा चलेगा भैया, काम तो कहीं पर निकल पड़ेगा तभी तो ये मिलेगा भोजन। तो ज़िंदगी में कभी भी लाइफ में आप मेहनत से ना भागें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तभी आप आगे तक जाएंगे और ग्रो करेंगे, है ना। तो बस मेहनत करते रहें, और आई होप मैंने सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, सब तो बता ही दिया खाने पीने से लेकर काम धंधा तक, तो आई होप मैंने सब बता दिया। और बाकी जो आप लोगों का क्वेरी होगा ना तो कमेंट में कर देना, सबका मैं रिप्लाई करूँगी। आज मेरे पास मतलब अभी तो रात में हूँ, कल सुबह में फिर मैं निकलूँगी और फाइनली वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी। तो आप लोग जो भी क्वेरी करना चाहते हो करना, और मैं अपने ब्रांच का जो फोटो होगा ना, मतलब सामने से कैसा दिखता है, वो आप लोगों को कम्युनिटी पर डाल दूँगी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड कोविड है फ़ायदा उठा लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ये सोच के कि कोविड है तब एग्जाम होगा, फ़ायदा उठा लो, ठीक है। फ़ायदा उठाने वाला समय है, जो अभी ये लॉकडाउन वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए, तो बेनिफिट उठा लो। ओके थैंक यू।